हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या तवर है। मैंने यूपीएससी 2021 में रैंक 438 हासिल की है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और बेटी ने कहीं किसी जगह भी कोई कोचिंग नहीं ली, अपने घर पे रह के पहले प्रयास में ही 438 वारंग लेके आईपीएस बन गई हैं। जब भी मैं पढ़ती थी तो मम्मी को दिमाग में लेके ही पढ़ती थी कि उनके लिए करना है, उनको यहाँ से निकालना है और अच्छा, मतलब उनके लिए कुछ, उनको प्राउड फील करवाना है कि हाँ भाई बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है जो स्ट्रगल रहे उस वजह से ज़्यादा, मतलब मुझे ये हुआ कि हाँ करना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। मुझे लगता है इन सब का भी हाथ रहा मेरी सक्सेस में। मैं बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल फिक्स कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। कोई भी, मतलब ऐसी परेशानियाँ तो आएंगी बीच में, लेकिन बस हमें पेशेंस रखना है, परसिवरेंस रखना है और लगातार मेहनत करते रहें। जिस डेडिकेशन से हम काम करेंगे तो मुझे लगता है अगर मैंने कर दिया तो कोई भी बच्चा कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों की कहानियाँ इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि उनके सामने हर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाए। तभी तो कहते हैं कि जो लोग अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक ना एक दिन सितारों की तरह ज़रूर चमकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही गरीब परिवार में जन्मी बेटी दिव्या तवर की, जिन्होंने सीमित संसाधन में पढ़ाई करके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में सफल होकर आईपीएस का पद हासिल किया। दिव्या का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के निम्बी गांव में बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ। जब वे 11 साल की थी तो बीमारी के चलते इनके पिता का देहांत हो गया। अब दिव्या के परिवार में उनकी माँ, छोटी बहन और भाई है। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ मां के कंधों पर आ गया। उनकी मां ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को काबिल बनाया। दिव्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के ही मनु स्कूल से पूरी की। पढ़ाई का बोझ मां पर ना पड़े इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लियर कर 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की। अच्छे नंबरों से 12th पास करके ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया ताकि घर के खर्चों में माँ का हाथ बटा सके। दिव्या ने बीएससी पास करने के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के साथ साथ वे स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाती थी। स्टार्टिंग के दिनों में दिव्या 4 से 5 घंटे पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दिव्या जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वो सिर्फ एक 10x10 का छोटा कमरा था। उसी कमरे में पूरे परिवार का खाना, पीना, सोना और दिव्या का पढ़ना होता था। इनका सफर कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा। पैसों की तंगी के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। इन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम का मटेरियल ऑनलाइन लेकर सेल्फ स्टडी की और टॉपर्स के इंटरव्यू में बताए गए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा। और इस तरह प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाने के बाद मेंस के लिए दृष्टि कोचिंग का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कई टेस्ट सीरीज शामिल थी। इन टेस्ट सीरीज से दिव्या को काफी हेल्प मिली। उसके बाद वे 2 महीने के लिए दिल्ली चली गई। वहां दृष्टि कोचिंग की लाइब्रेरी ज्वाइन की और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ मात्र 23 साल की उम्र में वे पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक प्राप्त कर दिव्या ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ जीत और मेहनत और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। दिव्या ने इस सफलता का पूरा क्रेडिट अपनी माँ बबीता देवी को दिया। उनकी माँ ने पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। वे बेशक कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रेरित किया। मेरी सक्सेस का क्रेडिट उनको जाता है। वैसे तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता तो नहीं था कि क्या कर रही है। बस ये था कि हाँ, गाँव में होता है कि बेटा पढ़ ले। हाँ, उसको बस मम्मी ने डिस्टर्ब नहीं किया कभी कि भाई आप पढ़ रही है तो कुछ काम कर या नहीं। वो बस कैसे कहती तुझे पढ़ना है तो पढ़ती है बस। तो दोस्तों, जैसा कि दिव्या बताती हैं कि जब वे 9th क्लास में थी तब उनके स्कूल में एक आईएएस ऑफिसर आए थे। उनकी गाड़ी के आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था और उनका बहुत सम्मान भी हुआ। तभी से दिव्या का एक सपना था
कि अपनी गाड़ी के आगे झंडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, और वे अपनी माँ को भी स्पेशल फील करवाना चाहती थी कि उनकी वजह से माँ का सर ऊंचा हो और वे प्राउड फील कर सके। तो दोस्तों, कभी कोई परिस्थिति किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर वो आगे बढ़ने की ठान ले तो। दिव्या की लगन और कड़ी मेहनत ने परिस्थिति और मजबूरी दोनों को झुका दिया। उनका कहना है कि अपनी बेटियों को खुले आसमान में उड़ने दीजिए, फिर देखिए वे आपको कहां तक ले जाती हैं। दिव्या को अभी IPS का पद मिला है, लेकिन वे अभी रुकी नहीं हैं, आगे और मेहनत करके IAS में अच्छी रैंक लाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैं हर बहन और बेटी को कहना चाहूँगी कि आप जब संघर्ष करते हो तो संघर्ष के दौरान आपको अपने माता पिता के उस सपने के बारे में सोचना चाहिए जो आपके लिए उन्होंने देखे हैं, तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगता? थोड़ी बहुत सूख मन में कुछ मलाल है थोड़ा सा? वो तो है ही, वो बस एक एग्ज़ाम हो गया था, थोड़ा सा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हो जाता है घबराहट कि एक पूरा करना है, पेपर पूरा करना है, उस चक्कर में थोड़ी क्वालिटी लो हो गई एक एग्ज़ाम में, तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार और बेहतर करूँ। अगली बार? अभी यहाँ गाड़ी रुकी नहीं है क्या? नहीं, अभी तो नहीं, मुझे मैं यही कह रही थी, बस सब खुश हैं, मुझे थोड़ा सा है कि नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, जो चाहिए था वो नहीं मिला। यानी कि IPS से खुश नहीं है, कलेक्टर से खुश? हाँ, अभी तो ये है, लेकिन वो है जब तक IPS हूँ तब तक तो उसी डेडिकेशन से इसी के लिए काम करना है, लेकिन कोशिश करूँगी अगली बार वही ले लूँ, IAS ही बन जाए। तो दोस्तों, अगर दिव्या की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।